हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी लाइन लॉजिक क्लास। पूर्व वीडियो रे त मु कोन बुझैतिले द्वितीय संतान रो स्वतंत्र नियम रो प्रमाण विषय रे मु भलावे बुझैतिले। आज कोन पढिबा तृतीय संतान रो स्वतंत्र नियम रो प्रमाण विषय रे पढिबा। पढिया पूर्व रे त मु कहूची दे कहूची वीडियो टी को मूल रु शेष पर्यंत देखो एवं वीडियो टी देखसला परे गोटे लाइक करो, वीडियो टी को सब्सक्राइब करो एवं बेल आइकन क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करो, जहाँ पर मुझे नुआ नुआ वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी संगे संगे तुम्हें पाई परिबो एवं तुमर पाठ बुझिबार सहायक हे। निश्चित भाव में भावुची पाठटी भल भाव बुझीपर ताले आज आम तृतीय संतान स्वतंत्र नियम विषय आरंभ करवा पाठ। देख तृतीय संतान स्वतंत्र नियम ता पूर्व कहूँ जे दशटी साधा नियम सब मन रखी त्रिपयुक्त दशटी साधा नियम ता सहित आम सार्विक आंशिक सदर्थ अनाजक ये चार्टा नियम अच्छी मु पूर्व भिडर कही सार्विक उद्देश्य पद व्याप्त आंशिक उद्देश्य पद अव्यक्त सदर्थ तर्क वाक्य कौन ये विधेय अच्छी विधेय पद कौन अव्यक्त नजर्थक विधेय पद व्याप्त सार्विक आंशिक परिमाण कहला मैंने उद्देश्य देख सार्विक उद्देश्य व्याप्त आंशिक से उद्देश्य अव्यक्त आउ विधेय के जो सदर्थ नजर्थ कह गुण कह कौन विधेय पद देख सदर्थ विधेय व्याप्त नजर्थक तर्क वाक्य विधेय पद व्याप्त ये चार्टा नियम ता सहित तुम जान दस टी साधारण नियम से नियम को आम प्रयोग करवा प्रयोग कले आम तृतीय संतान जो स्वतंत्र नियम रही से नियम गुड़ को आम प्रमाण कर पार्टी। बर्तमान देख तृतीय संतान स्वतंत्र नियम एक नंबर नियम कौन पक्षावय सदर्थक सदर्थक आवश्यक पक्षावय सदर्थक आवश्यक। बर्तमान देखा पक्षावय कही आम तृतीय संतान आकार कमि का सी भाया तुम जान सी कौन मध्यम पद बस मध्यम पद के बस उदेश स्थान मेटी कौन बस प्रधान पद बा साध्य पद ये अबस अप्रधान पद बा पक्ष पद अतए सिद्धांत कौन बस आगे अबस पस मान पक्ष पद साध्य पद ये पक्ष पद ये आसला ये साध्य पद ये आसला हाउ सी कौन कही पक्षावय सदर्थ कही पक्षावय कौन धरवा सदर्थ नवानी पूर्व भिड जान देखी सब जहाँ से नी अल्टा नवा ताने सदर्थक नजर्थ नवा नजर्थ दे सदर्थ नवा सार्विक देते आंशिक नवा आंशिक देते सार्विक नवा हाला हाउ ते पक्षावय कही पक्षावय कैटा यहाँ पक्षावय कौन कही सदर्थक आम कौन धरवा नजर्थक जदि नजर्थक हुए पक्षावय गोटे हेतु नजर्थक अन्य हेतु कैटे निश्चित भाव में कौन हम सदर्थ होते बाध्य कारण आम दूरी हेतु नजर्थक नवा पंचम नियम अनुसार सिद्धांत निश्चित हम ना ताले गोटे वाक्य नजर्थ पाइले पक्षावय सदर्थ देखे धरले कौन नजर्थक जदि पक्षावय नजर्थ गला साध्य भाव कौन हम सदर्थक हम सदर्थक हाउ बर्तमान पंचम नियम कौच दूरी वाक्य नजर्थ कले सिद्धांत बाहर ना दीटा नजर्थ नवा ना ताले गोटे नजर्थक मान आर निश्चित भाव सदर्थक ये जान लो षष्ठ साधारण नियम कौन कौच गोटे वाक्य नजर्थ कले सिद्धांत नजर्थक हुए ताले बर्तमान देख गोटे वाक्य कौन है नजर्थक सदर्थक नजर्थक मान गोटे नजर्थक ताले सिद्धांत कौन हम नजर्थक सिद्धांत नजर्थक गला ये बुझ पाल ताने गोटे वाक्य नजर्थक कले सिद्धांत नजर्थक गला हाउ बर्तमान देख से नियम प्रयोग करवा सदर्थक सदर्थक तर्क वाक्य विधेय पद कौन अव्याप्त नजर्थक विधेय पद कौन व्याप्त ताले सदर्थक किए ये सदर्थक तार विधेय किए ये साध्य पद विधेय अव्याप्त बर्तमान देख सिद्धांत नजर्थक अच्छी नजर्थक विधेय पद कौन व्याप्त ए नियम देख सदर्थक विधेय पद अव्याप्त नजर्थक तर्क वाक्य विधेय पद व्याप्त ताले सदर्थक विधेय अव्याप्त होगा मैंने साध्य पद अव्याप्त होगा किंतु नजर्थक सिद्धांत विधेय पद अव्याप्त होगा नजर्थक मान विधेय पद व्याप्त हम से किए अच्छी साध्य पद ताले साध्य पद प्रधान वाक्य साध्य भाव में कौन अच्छी अव्याप्त किंतु सिद्धांत व्याप्त होगा तेणु दस व्याप्त होगा क्यों दस ये साध्य पद जेहेतु अव्याप्त होगा ताले से ही प्रकार दस हम अवैध
साध्यता दस साध्यता दस बा साध्यपद दस साध्यपद दस अवैध साध्यपद दस दस कहीं जात होला कारण से जहाँ कही मानले कि से न मारिकी आम नियम लंघन कले तो दस जात होला से कही पक्ष अवयव सदर्थक आवश्यक आम पक्ष अवयव को सदर्थ न लेकिन नंजथ नहींजे से दस जात होला बुझिपाल तार पक्ष अवयव सदर्थक परिवर्तन नंजथ ने कहार तृतीय संतान तृतीय संतान पक्ष अवयव सदर्थक परिवर्तन जी आम नंजथक नवा तेज अवैध साध्यता दस जात हो तेणु तृतीय संतान न्यायारूप मान पक्ष अवयव सदर्थक होगा आवश्यक बुझिपाल यही भाव में तीन मारे पढ़ते वर्णना करते पड़ो ये प्रमाण करते पक्ष अवय सदर्थक आवश्यक दे मुझे जहाँ कहली मान यू आरंभ कली कौन कली पक्ष अवय सदर्थक मुझे पक्ष अवय नंजर्थक हाँ आवश्यक जदि नंजर्थक हुए साध्य हम कौन हम सदर्थक हम कारण पंचम नियम अनुसार उभय वाक्य नंजर्थक हो पारे ना एमता लिख लिख गोटे वाक्य ष्ठ नियम अनुसार गोटे वाक्य नंजर्थक गले सिद्धांत कौन हम नंजर्थक हम तापर कौन लिख तगल साध्य वह सदर्थक पक्ष नंजर्थक सिद्धांत नंजर्थक पाइल तापर व्याप्त अव्याप्त नियम प्रयोग कर साध्य हम सदर्थक गले विधेय पद अव्याप्त हम विधेय स्थान साध्य पद अवस्थित एवं सिद्धांत नंजर्थक गले विधेय पद व्याप्त हम विधेय स्थान सिद्धांत विधेय स्थान साध्य पद अवस्थित तेनालीरें साध्य पद साध्य भाव अव्याप्त रही सिद्धांत कौन हो व्याप्त हो तेणु अवैध साध्यता दोष जात हो बुझिपाल दोष जात होगा कहीं तृतीय संतान पक्ष अवयव सदर्थक परिवर्तन नंजर्थ नंजर्थक ने दोष अनिवार्य तीन मारे पड़ते एतिक चित्र कह सहज चित्र तो देखो ते लिखि चल कि घुसबार ना जहाँ चित्र कल से अनुसार लिखि चल बुझिपाल किसी असुविधा अच्छी किसी असुविधा हम ना हाला भल भाव देख भिड को निश्चित भाव में बुझिपार थे बुझिपाल तो आउ थे देख निश्चित भाव में निश्चित भाव में बुझिपार जदि बुझ न पार ताल कमेंट सेक्शन जा कमेंट कर मुझको भल भाव में आउ थे भिडियो टी भल भाव आउ थे भल भाव बुझेदेवि नचे मो फोन नंबर दे कौन फोन नंबर के 9853984102 ये फोन को फोन कर मुझको भल भाव बुझेदेवि हाला। देख द्वितीय संस्थान कौन जान लरी तृतीय संस्थान कौन जान ल प्रथम नियम हूँ पक्ष अवयव सदर्थक होगा आवश्यक नहींवा दु नंबर हूँ सिद्धांत आंशिक सिद्धांत आंशिक आवश्यक तुम्हें यहाँ सब नियम पूर्व भिडियो मान देखी जान सब सिद्धांत सब कही स्वतंत्र नियम सब डिटेल कही केमिति का ट्रिक बताई देती केमिति का सहजे मन रख मुझे बर्तमान से गुड़ा प्रमाण चलती बर्तमान सिद्धांत आंशिक के संतान तृतीय तृतीय संतान करदे आकार ये मध्यम पद मध्यम पद ये साध्य पद व प्रधान पद ये अप्रधान पद व पक्ष पद अत अप्रधान पद व पक्ष पद ये साध्य पद बर्तमान देख सी कौन कह सिद्धांत आंशिक आंशिक आम कौन नवा सिद्धांत सार्विक नहीं जावा सिद्धांत सार्विक सार्विक सिद्धांत जदि सार्विक नवा सार्विक फेर नियम प्रयोग करदे सार्विक तर्क वाक्य उद्देश्य पद कौन व्याप्त ताले सार्विक उद्देश्य व्याप्त करदे कि पद छुआ पक्ष पद व्याप्त हो गला कहीं जेहेतु सिद्धांत सार्विक सिद्धांत आंशिक देती आम ना कौन सिद्धांत सार्विक सार्विक तर्क वाक्य उद्देश्य पद व्याप्त देख सार्विक तर्क वाक्य उद्देश्य व्याप्त उद्देश्य स्थान में पक्ष पद अच्छी व्याप्त होगा तार पक्ष अवय भी व्याप्त हम ना दस जात हम अवैध पक्षता दस तेनाली व्याप्त हो मान व्याप्त हम पक्ष अवय मान हेतु वाक्य व्याप्त हम हेतु वाक्य व्याप्त हो कि व्याप्त हो किसी दस जान ना जदि अव्याप्त हो जाए दस जात हम तेल सिद्धांत सार्विक हेल्ले उद्देश्य पद व्याप्त उद्देश्य स्थान में पक्ष पद व्याप्त होगा तेणु पक्ष अवयव से पक्ष पद व्याप्त होगा।
वर्तमान ए पक्ष पद सिना व्याप्त वाला पक्ष भाव रे ता स्थान डा कोन विधेय विधेय व्याप्त कहार विधेय व्याप्त देखो इ नंदर्थ कर ताने वर्तमान ए टाइम गला नंदर्थक बुझि वाला यदि गुटे तिवाग नंदर्थ कला अन्य तिवाग रे कोन आबो सदर्थक आबो हो काहे की पंचम नियम कहउची उभयत वाक्य नंदर्थक हे पेरिबो नाही सिद्धांत बारिबो नाही ताले गोटे नंदर्थक गले अन्यटी कोन आबो सदर्थक तबर षष्ठ नियम प्रयोग करिवो षष्ठ नियम कोन गोटे वाक्य नंदर्थक गले सिद्धांत नंदर्थक हो देखो एई जरा भीते गोटे नंदर्थक सिद्धांत कोन आबो ताले नंदर्थक गला सिद्धांत नंदर्थक वर्तमान ताले ए नंदर्थक ये सदर्थक ये नंदर्थक वर्तमान देखो सदर्थक साध्य भाव रे विधेय स्थान के अछि साध्य पद सदर्थक रो विधेय कोन अव्याप्त सदर्थकटा उद्देश्य विधेय विधेय व्याप्त होला सिद्धांत नंदर्थक उद्देश्य विधेय विधेय कोन हो व्याप्त काहे कि नंदर्थक रो विधेय पद व्याप्त सदर्थक रो विधेय पद अव्याप्त नंदर्थक सिद्धांत रो विधेय पद कोन होला व्याप्त ताले अव्याप्त होई कि व्याप्त होला के पद साध्य पद काहे कि व्याप्त होला तन व्याप्त होबा जको दस जात होला ता ना होची अवैध सही साध्यता दस साध्यता दस बा साध्य पद दस बा साध्य पद दस अवैध साध्यता दस बा अवैध साध्य पद दस ए दस काही जात होला दस माने साध्य पद अव्याप्त है कि सिद्धांत रे व्याप्त होजु दस जात होला दस रे काही जात होला ना आमी नियम मान ले नाही नियम को भूल ने माने नियम जहा देची सेरे न मानी अलगा नेले सिद्धांत कोन कहिची आंशिक आवश्यक आमे सिद्धांत आंश न लेकि सार्विक नै गेले तनु दस जात होला जदि सिद्धांत आमे आंश नै तांदे कोनसी दस जात होइ न तांदा तनु तृतीय संतान रो सिद्धांत आंशिक हो आवश्यक सार्विक हे परिबो नाही आंशिक हो आवश्यक बुझि पालो वर्तमान देखिबा तृतीय नियम तृतीय नियम कौन कह अंततः अंततः गोटे हेतुवाक्य सार्विक आवश्यक सार्विक हेबा आवश्यक अंततः गोटे हेतुवाक्य सार्विक आवश्यक वर्तमान ता अर्थ रख से गोटी हेतु वाक्य कोई जेमिति का पूर्व वीडियो तुम जानतिल अंतत बा अंतत नहे गोटी हेतु वाक्य नजर तक आवश्यक के हेतु वाक्य हम जानतिले कि एडी से बोले अबरे से कोची अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक बा आवश्यक गोटी हेतु वाक्य कोई ताले के हेतु वाक्य जानि परचो जानि परिबा नहीं वर्तमान देखो किमिति एडा बुझाओ तृतीय संख्या संतान कोई हम तृतीय संतान आकार कर देले म म प अ अते अ प बुझ पाला ना तृतीय संतान आकार हम कोई देनी हेतु वाक्य उद्देश्य विधेय उद्देश्य विधेय उद्देश्य विधेय केमिति का मध्य पद उभय वाक्य उद्देश्य स्थान रही छ तृतीय संतान आकार सी बोलया एति बुझ पालो वर्तमान देखो से को जे अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक आवश्यक सार्विक माने कोन कोछ परिमाण ताले परिमाण अनुसार आमे जदि सजेबा दुई हेतु वाक्य को सजेबा ताने चारटी संभावना सृष्टि हो जेमितिका गुण अनुसार पूर्व भिडियो देख जानल गोटे हेतुवाक्य नंदर्थक आवश्यक चारि प्रकार संभावना गुण अनुसार चारि प्रकार संभावना अनुसार मुझे चारि प्रकार संभावना नहीं ठीक से भाई ये देख अंत गोटे हेतुवाक्य सार्विक सार्विक कही मान परिमाण बर्तमान कौन देख कौन है पारे परिमाणटा सार्विक सार्विक दिना सारा सार्विक सार्विक आंशिक आंशिक सार्विक आंशिक आंशिक हला ताने चारि प्रकार संभावना दिटा सारा सार्विक होई पारे दि सार्विक आंशिक होई पारे आंशिक सार्विक होई पारे आंशिक आंशिक होई पारे त माने एटा कोन साध्य बनि आछि एटा कोन एउडा सब पक्ष हो हो वर्तमान देखो से जहा कहिछि ताको हम काटि देबा नबानी ननेले ननेकी आमे प्रमाण करबा चेष्टा करबा
जदी दस जात होला ताने से जहा कोई सेटा ठीक हबो हो ताले कोन कोई से नियम कोन कहूची अंतत गोटिहेत वाक्य सार्विक एटी गुटे जिंस लक्ष्य कर अंतत दिछ गोटिहेत वाक्य सार्विक देइनी अंतत गोटिहेत वाक्य सार्विक अंतत माने अति कम रे मुगमी तमो तमे अति कम रे पूजा चंदा 100 टका दबो तमे अति कम रे 100 टका माने 100 तोल को जीवन 100 रु अधिक देई पार अति कम रे मुगमी अंतत 100 टका दबो अति कम रे सर्वनिम्न 100 टका दबो सबटे कम ताटो अधिक जने देई पारे बुझि पालो हमरे ठीक से बोले देखो अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक आवश्यक ताक त माने माने से को जी अति कम रे गोटी हेतु वाक्य सार्विक तार कोन हबो से कहिची अति कम रे गोटी हेतु वाक्य सार्विक ता माने दीटा भी हेई पारे ता कथा मुळे ए नियम कहूची अति कम रे गोटी सार्विक ताले दीटा भी सार्विक होई पारे ता कथा मुळे ताले देखो गोटी सार्विक केडा गोटी सार्विक अछि एडी गोटी सार्विक कटि गला एडी भी आंशिक सार्विक गुटे सार्विक अछि कटि गला एवं अंतत पई कोन अंतत गोटी सार्विक ता माने दीटा भी सार्विक हेई पारे ता कथा रे सेरा नियम कहूची ताले दीटा सार्विक एटा भी कटि गला बुझि पालो ताले अंतत गोटी सार्विक माने गोटी हेतु वाक्य सार्विक माने एटा गुटे सार्विक ई भी आंशिक सार्विक माने गुटे सार्विक हला आउ कोन अति कम रे गुटे सार्विक अर्थात दीटा भी सार्विक हेई पारे ता नियम कहूची ता नियम दीटा सार्विक कटि कटि गला ताले जदी ता कथा न मानिबा नियम कथा न मानिबा ताने कोन नबा उभय हेतु वाक्य आंशिक केवल एटा नै कि प्रमाण करिबा सिए कहिची अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक ताने एक कथा भी कहिची एक कथा कहिची एक कथा कहिची तीनटा सार कथा कहला ता माने ता कथा माने न मारि मानिबा नै ताले कोन नबा उभय हेतु वाक्य आंशिक जदी अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक न हुए ताले उभय हेतु वाक्य कोन हबो कोन हबो आंशिक ताने एटा भी आंशिक नबा आंशिक ये भी आंशिक हला ताले उभय हेतु वाक्य कोन नले आंशिक नले आंशिक अष्टम साधा नियम कोन कहिची उभय हेतु वाक्य आंशिक हले सिद्धांत निश्चित हो नाही एवं ता परे भी मध्य आमे देखो आंशिक तर्क वाक्य कोन उद्देश्य पद अव्याप्त आंशिक रो उद्देश्य अव्याप्त एटी आंशिक रो उद्देश्य अव्याप्त बुझि पालो आंशिक तर्क वाक्य रो उद्देश्य पद अव्याप्त एटी भी आंशिक तर्क वाक्य रो उद्देश्य पद अव्याप्त ताले एही हेतु वाक्य दिरा दिरा रो उद्देश्य तान के अछि मध्यम पद अछि ताने बिल्कुल व्याप्त हला नाही दश जात हला ता दशे दशन ना होची अव्याप्त हेतु पद दश अव्याप्त हेतु पद दश जदि ता कथा मानि तांदे दश जात होइ न तांदा तनो तृतीय संतान रो अंतत गोटी हेतु वाक्य कोन हबो सार्विक हबो ही हबो चेंज करि परिबो नाही ताने सही नियम मानते बाध्य तार तृतीय संतान रो अंतत गोटी हेतु वाक्य सार्विक हबा आवश्यक बुझि पालो भलो भाबरे जदि गुटे गुटे अलग अलग पड़ब तीन मारे पड़ब वर्णना कर चित्र कर वर्णना कर गोटे नियम पड़ी जब तीन टा नियम पड़ी मानते तृतीय संतान स्वतंत्र नियम भाई तेज कौन कर डायरेक्ट तीन टा नियम लिखदेव ये लिखदेव तीन मारे मिल जाए तीन मारे का गुटिया पड़ थो प्रमाण कर कि बुझार अच्छे बुझी पाल भाला तृतीय संतान स्वतंत्र नियम सरगला ये नियम गुड़ा बोली मनक निश्चित भाव परीक्षार आसे कौन आसे पड़ब तृतीय संतान स्वतंत्र नियमी द्वितीय संतान स्वतंत्र नियमी एमता तीन मारे जाए दि मारिका जाए हाला भल भाव बुझ बुझ नपाले मुझे 9853984102 को फोन कर ना कमेंट सेक्शन जाए तुम प्रश्न पचारिपर बुझिपाल आ कि असुविधा हमने मुझे भावी जदि न बुझीपर फोन करमेंट सेक्शन जाइ कमेंट कर पचार बुझिपाल तो थैंक यू।